नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें रायपुर से बड़ी खबर के साथ, महादेव सट्टा ऐप केस, जिसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। महादेव सट्टा ऐप केस में 1296 करोड़ रुपए जब्त किए गए। महादेव सट्टा केस में ईडी ने इस बारे में ऑफिशियली जानकारी दी है। रायपुर सहित कई शहरों में रेट में 580 करोड़ रुपए कुल मिलाकर सीज हुए हैं। हाल ही में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इंदौर, रायपुर में रेट पड़ी थी, उसके बाद से ही लगातार प्रयास किया जा रहा था ईडी की टीम की तरफ से कि बड़े स्तर पर खुलासा इस मामले को लेकर हो सके, कुछ लोगों को पकड़ा जा सके। चूंकि एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क है ये, जिसके तार छत्तीसगढ़ में भी फैले हुए हैं, रायपुर में भी रेड पड़ी हुई थी, और उसके बाद अब कुल मिलाकर जो संपत्ति पाई गई है उसके बारे में ब्यौरा ईडी की टीम की तरफ से दिया गया है। 1296 करोड़ रुपए अभी तक जब्त किए जा चुके हैं महादेव सट्टा ऐप केस के जरिए। अलग अलग शहरों में रेड पड़ी, जो वो शहर थे वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इंदौर, रायपुर में भी छापामार कार्रवाई की जानकारी आपने देखी थी, और उसके बाद अब ये तमाम बड़े खुलासे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। युगल, एक बहुत बड़े स्तर पर ये नेटवर्क चलता आ रहा है, चूंकि हमने बहुत लंबे अरसे से कार्रवाई भी देखी है, ये भी बताइएगा कि इस संपत्ति का खुलासा तो है ही, इसके अलावा नेटवर्क को लेकर कोई और अतिरिक्त जानकारी? ईडी लगातार कार्रवाई करती रही है। लगभग 2.5 साल से अधिक वक्त हो चुके हैं जब ईडी की जो टीम है यहाँ पर दस्तक देती रही है, और महादेव सट्टा ऐप को लेकर के कईयों की गिरफ्तारी हुई है। बड़े जो नेटवर्क्स हैं, चाहे वो ऑपरेटर हो या तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। और ईडी ने प्रेस नोट जारी करके ये बताया है कि 1296 जो करोड़ रुपए है उसे जो जब्त किया गया है अब तक की जो कार्रवाई उसमें, लेकिन 580 करोड़ रुपए को अभी तत्काल जो सीज किया गया है। इसके अलावा मुंबई से लेकर के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की दबिश लगातार जारी रही है, और अभी भी जो खाई वाले जो उनके जो जो खाने वाले थे वो रकम को उनको गिरफ्तारी है वो लगातार उस पर की जा रही है। यहाँ तक के जो रेड कॉर्नर नोटिस भी जो जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर के जो आरोपी हैं उन पर जारी किया है, और अभी भी लगातार ईडी की कार्रवाई है अलग अलग जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि ईडी ने जो अब तक की जो कार्रवाई की है, इससे पहले लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए की जो सीजिंग की बात आ रही थी, लेकिन अब जो ईडी ने प्रेस नोट जारी करके बताया है कि 1296 करोड़ को की जो पूरी कार्रवाई है की गई है, 580 है करोड़ है उसे सीज किया गया है। हिस्सा महज है युगल इस कार्रवाई का, चूंकि बहुत बड़े स्तर पर नेटवर्क को फैले जाने की बात, और उसके साथ साथ अभी फिलहाल 5 शहरों को लेकर जो कार्रवाई उसका ये डेटा है, अभी दायरा बढ़ सकता है युगल? जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां हैं होनी है। अभी जो ईडी की टीम ने भोपाल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, और जिस तरह से उन्हें रायपुर लेकर के आएगी और पूछताछ करेगी, उसके बाद एक अन्य जो आरोपी है भोपाल से ही फरार चल रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है जब उसकी गिरफ्तारियां होंगी तो किस तरह से पैसे को खपाते थे, कैसा ट्रांजेक्शन करते थे, इस पर अलग से पृथक से जो है वो खुलासा हो सकेगा। और ईडी है लगातार जो देखने वाली बात अब युगल की, कितने बड़े स्तर पर इस बारे में खुलासा हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। महादेव सट्टा ऐप का जिक्र कर रहे हैं तो इस बीच एक और बड़ी जानकारी, मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा भोपाल से गिरफ्तार हो चुका है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तलरेजा और रतनलाल जैन ने शुभम सोनी के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया। भोपाल ईडी तलरेजा को आज रायपुर ईडी को सौंपने वाली है। रतनलाल जैन अभी भी फरार चल रहा है, उसकी तलाश भी लगातार चल रही है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट इस जानकारी से जुड़ा हुआ, चूंकि महादेव सट्टा ऐप केस के खिलाफ लगातार ईडी एक्शन मोड में नजर आती हुई, एक तरफ छापामार कार्रवाई और दूसरी तरफ इस कार्रवाई का असर ये कि संपत्ति तो कुर्क की गई है, संपत्ति बरामद कर ली गई है। कुछ ऐसे मुख्य आरोपी जो इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे अलग अलग शहरों में, उन पर भी नकेल कसी जा रही है। रायपुर का अब जिक्र करेंगे, जहां 5 मार्च को कांग्रेस क्रॉस जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक होने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस बारे में जानकारी दे रहे थे, 5 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर हम मंथन करने वाले हैं, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं, ये भी कहा गया। तो
हो गई और दोस्ती आज में आज कांग्रेस ने एक्सरसाइज पहले शुरू की। हमारी भी मीटिंग संभवतः 5 तारीख को है इस दिन की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पहली मीटिंग हुई उसमें छत्तीसगढ़ से जो हारे हुए सीट थे उसका आएंगे कि और भी सीटों का आएगा। सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, एक तरफ बीजेपी में तैयारियों का दौर, दूसरी तरफ कांग्रेस जिनकी तरफ से भूपेश बघेल कहते हैं कि कुछ ही दिनों बाद उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये जानकारी दी। आज ही वो शिमला से दिल्ली होते हुए छत्तीसगढ़ लौटे और उन्होंने ये जानकारी दी कि 5 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि बीजेपी के जो प्रत्याशी उनके नाम आज आ सकते हैं, करीबन 6 लोगों के नाम आ सकते हैं प्रत्याशियों के, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है, तो उसको लेकर उनका कहना था कि 5 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और जाहिर तौर पर अगर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी उसके बाद सीईसी की बैठक होगी उसके बाद में आएंगे। वैसे भी कहा जा रहा था कि मार्च के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह की शुरुआत में जो है वो कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं उनके नाम आ जाएंगे। अब स्टेट लेवल पे कोई बैठक नहीं होगी, जो भी बैठक होगी वो केंद्रीय स्तर पर बैठक होगी और यहां पर जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी वहां उसके जरिए नाम जो प्रत्याशियों के नाम जा चुके हैं, पैनल जा चुका है और अब सिर्फ वहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद में जो है वो सीईसी की बैठक होगी, सीईसी की बैठक के तुरंत बाद नाम जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि प्रत्याशियों को समय भी चाहिए और अब कांग्रेस सरकार में भी नहीं रही, तो जाहिर तौर पर जब आप सरकार में होते हैं तो आपके पास संसाधन होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं अलग से होती हैं, लेकिन चूंकि विपक्ष के तौर पर होते हैं तो चुनावी तैयारी को लेकर और भी ज्यादा जोर लगाना आपको पड़ता है और यही वजह है कि कांग्रेस भी ये कोशिश करेगी कि अब जो है चूंकि बीजेपी के अगर प्रत्याशियों के नाम आ जाते हैं तो जल्द से जल्द कम से कम पहली सूची जो है वो जारी कर दें। जी ठीक है, चलिए देखने वाली बात की कितना इंतजार अभी करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी साझा करने के लिए। उधर छत्तीसगढ़ में एक और बड़ी जानकारी, बीजेपी कभी भी अपनी लिस्ट जारी करने को तैयार है, चूंकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वो लेकर भी यही हलचल मानी जा रही है और इधर बीजेपी शायद एक कदम आगे कांग्रेस से, कभी भी सूची जारी हो सकती है पहले स्तर पर। बैठक में सभी 11 नामों पर मुहर लग चुकी है। न्यूज 18 के पास संभावित प्रत्याशियों के नाम भी हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव के रण में आपको नजर आने वाले हैं। रायपुर से लक्ष्मी वर्मा, सुनील सोनी, दुर्ग से विजय बघेल, प्रकाश साहू, ये संभावित तौर पर नाम है। कांकेर से भोजराज नाग भी हो सकते हैं, राधेलाल नाग भी हो सकते हैं। राजनगांव से मधुसूदन यादव, अभिषेक सिंह, इन तमाम लोगों का जो नाम है वो आगे चल रहा है। अभी देखने वाली बात कि अंतिम सूची कब तक आती है, कब तक नाम फाइनलाइज होते हैं। और उम्मीदवारों की सूची को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव की तरफ से एक बयान, उन्होंने कहा है कि लिस्ट कभी भी आ सकती है। इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व के साथ विस्तार से चर्चा हुई है। जनता ने प्रदेश की 11 सीटें प्रधानमंत्री की झोली में डालने का मन भी बना लिया है। सुनिए, कभी भी सूची आ सकती है, केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। और गांव चलो अभियान एक तरफ चल रहा है, इसके बाद से वोटर्स तक पहुंचने के लिए बीजेपी का एक और प्लान तैयार है। बीजेपी ने आज से लाभार्थी अभियान शुरू कर दिया है। अभियान 4 मार्च तक चलने वाला है और बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान घर घर जाकर केंद्र की योजनाओं के बारे में लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, मिलेंगे। गांव से लेकर बूथ स्तर तक अभियान होगा। सरकार ने जो है इस देश के करोड़ों लोगों को जो है वो लाभ दिया है, उनके जीवन में परिवर्तन आए, ऐसी योजनाएं बनाई है और उनका लाभ लिया है, उनसे संपर्क करना, वो कितने संतुष्ट है इस बात को पूछना और कौन सी योजना का लाभ नहीं मिला है उसको सहयोग करना, ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक चालू भी कर दिया है
और बड़े अभियान के तौर पे हम 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में और चालू करेंगे। जितने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है वो सारे लोगों से मिलेंगे हम। जिन किसी को गैस का सिलेंडर मिला है, किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला है, किसी को स्वनिधि के अंदर मिला है, किसी को मुद्रा बैंक के अंदर में मिला है, तो अनेक योजनाओं के लाभ जो है वो सारे लोगों को मिले हैं और उनसे मिलकर जो है उनकी खुशी को बांटेंगे। और बस्तर के पूर्व बीजेपी सांसद दिनेश कश्यप ने एक बड़ा बयान दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को लेकर उनकी तरफ से बयान, कहा कि उनकी नाक तो विधानसभा चुनाव की हार के साथ ही कट गई थी, अब लोकसभा चुनाव में कान कटने के लिए तैयार हैं, पूरी कांग्रेस को जनता काट देगी। सुनिए। तो दीपक हमारा गोयल तो उसको झटका दिया था ना कि आपको इस बार हरा के रहूंगा, और मैं भी सोच रहा था इसको हरा के रखना है और हरा भी दिया हम लोग। मैं तो खुला नाम बोल रहा हूँ, बेंजाब को बता दिया था मैं तेरे ये छोड़ने वाला नहीं है, तेरे को सत्यानाश करने वाला है, इतना तक बोल दिया था। और वो जो है ना काम हुआ, मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ। कान और नाक बचाने की बात हो रही थी। अब वो कान नाक क्या बचाएंगे, अब क्या बचाएंगे, क्या बचाएगा उसके बाद? नाक कटेगा, कान भी कट गया, और क्या बचा है उनके पास? अब क्या लड़ेंगे क्या वो है? लड़के दिखाएंगे, बोलिए। तो लड़ने की तो बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन नाक और कान तो कटना ही कटना है, जान लीजिए। और दिनेश कश्यप का ये बयान आपने सुना, इस पर पलटवार भी आया है। बीजेपी जब 15 सीटों पर सिमटी थी तब क्या नाक कटी थी, ये सवाल पूछा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब भी इंतजार करें, प्रमोद दुबे का कहना है। और छत्तीसगढ़ में बंटाधार वाली सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। विजय बघेल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। विजय बघेल ने भूपेश बघेल को बंटाधार बताया था, हिमाचल को लेकर बोला था, और कांग्रेस ने विजय बघेल पर पलटवार किया। ईडी और आईटी से डराकर सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, दुर्ग से टिकट देना पार्टी का निजी मामला भी है, विकास उपाध्याय की तरफ से कहा गया। भूपेश बघेल को दुर्ग से लड़ने की चुनौती दी थी विजय बघेल ने, उसके बाद उन पर ये पलटवार। जनता पार्टी के नेताओं के पास में अब कुछ बाकी नहीं रह गया, उनकी आपस में इतनी लड़ाई है, अब कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता कहां से चुनाव लड़ेगा वो कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस की जनता उसको डिसाइड करेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि उनके बोलने से, उनके कहने पर टिकट बटेगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी में होता है, कांग्रेस पार्टी में। ये बड़ी जानकारी विजय बघेल के बयान को लेकर पलटवार किस प्रकार से हुआ है ये हम आपको सुना रहे थे, किस प्रकार से विजय बघेल की चुनौती का जवाब कांग्रेस की तरफ से ईडी आईटी के जरिए। ईडी का जिक्र है तो छत्तीसगढ़ में आज कई जगहों पर छापामार कार्रवाई भी हुई, उस बारे में भी आपको खबर दें। कोरबा में कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के निवास पर ईडी ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि डीएमएफ फंड घोटाले से जुड़ा यह मामला, इसे लेकर यह कार्रवाई चल रही है। 4 तस्वीरें 4 अलग अलग शहरों की। बालोद में पूर्व मंत्री अनिल भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी के निवास पर ईडी की टीम पहुंची। बैकुंठपुर सीईओ राधेश्याम के घर पर भी ईडी का छापा। जशपुर में ईडी ने मनोरा जनपद सीईओ वीरेंद्र सिंह राठौर के सरकारी निवास पर छापा मारा है। और इधर अंबिकापुर में भी ईडी की रेड पड़ी है। व्यवसायी अशोक अग्रवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची। ईडी के अधिकारी पूछताछ लगातार कर रहे हैं। ठेकेदार और मटेरियल सप्लायर के तौर पर अशोक अग्रवाल को जानते हैं यहां लोग, लेकिन उसी दौरान जब पुलिस पहुंची ईडी की टीम के साथ तो हड़कंप मच गया। तो अंबिकापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर हाई सिक्योरिटी, पूछताछ चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, हो सकता है कई बड़े खुलासे इस कार्रवाई के बाद आपको देखने को मिले। जशपुर, अंबिकापुर, तमाम ऐसे शहर जहां पर आज ईडी की रेड देखने को मिली, ठेकेदार के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। मटेरियल सप्लायर है अशोक अग्रवाल। जशपुर के कुनकुरी में हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। एक आमसभा में भड़काऊ भाषण दिया गया। आमसभा में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों में जाकर ईवीएम तोड़ने की हिदायत दी गई। ये भी बताया गया कि किस प्रकार से कुनकुरी के सलिया टोली मिनी स्टेडियम में सभा के दौरान जो कहा गया है उसे समझना है, करना है। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की ओर से आयोजन था। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम, ये सब ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन की वजह से आज भारत देश मूल निवासियों को गुलाम बना के रखा हुआ है। 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन को फोड़ना,
ईवीएम मशीन को ही फोड़ना है। अगर 2024 में हम लोगों ने ईवीएम मशीन फोड़ दिया तो ये तीन राज्य के मुख्यमंत्री भी लौट आएंगे। लड़ाई तो होगी मूल निवासी वालों विदेशी की लड़ाई होगी। ब्राह्मण है जो 21 मई 2001 को माइकल बाम साहब ने सिद्ध किया कि भारत देश का रहने वाला ब्राह्मण विदेशी है। माइकल बाम साहब ने कहा तेरा खून मेरा खून निकाल के जांच किया तो पता चला कि भारत देश का रहने वाला ब्राह्मण विदेशी है और SC ST OBC माइनॉरिटी हम भारत के मूल निवासी है। मूल निवासी को राज करना चाहिए कि विदेशी को राज करना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइए मूल निवासियों को राज करना चाहिए? मुक्ति मोर्चा और क्रिश्चियन समाज का संगठन के द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, उसमें वो अपने सामाजिक स्तर को छोड़ करके और एक विशेष रूप से हिंदू समाज को भड़काने का बात कही है। उसमें हिंदू समाज में ब्राह्मण समाज को भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, इससे पूरे हिंदू समाज आक्रोशित है। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया गया, उनके खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया, ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की गई, हमारे पूज्यनीय साधु संतों तक को नहीं छोड़ा गया, यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री के विषय में भी आपत्तिजनक उनकी बातें कही, विशेषतः हिंदू समाज टारगेट में, पूरा हिंदू समाज इस कार्यक्रम को लेकर उद्वेलित है। भारत मुक्ति मोर्चा संगठन एवं इसके साथ ही अन्य संगठन के सदस्यों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था और उस सभा में तथाकथित तरीके से हिंदू धर्म के बारे में कोई टिप्पणी की गई थी। इसकी शिकायत कल थाने में करनैल सिंह नामक एक प्रार्थी ने दिया है कि उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है और विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच में वैमनस्य की स्थिति निर्मित करने की कोशिश की जा रही थी। इस शिकायत पर कल एक FIR लिया गया जिसमें कि 153A 295 और अन्य संबंधित धारा में इन 11 लोगों के खिलाफ में कुनकुरी में जो FIR लिया गया है।